नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आपकी हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल आपकी हेल्थ को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, अगर आप फैमिली प्लान कर रही हैं तो सबसे पहले जान लें कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप फैमिली प्लान नहीं कर सकती। इसके लिए आपकी सेहत का ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी सेहत ठीक रखने के लिए आपको इन चीज़ों का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने डाइट में इन चीज़ों को शामिल करें जिससे आपको गर्भधारण करने में आसानी होगी। गर्भधारण करने से पहले डाइट में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। विटामिन बी लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फैमिली प्लान कर रही हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट में विटामिन बी को शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियों में, साबुत अनाज में, अंडे में और मांस में विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इनका सेवन करें। फोलिक एसिड को इग्नोर न करें। फोलिक एसिड एक और जहां गर्भधारण करने की क्षमता बढ़ाता है, वही गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सोयाबीन, आलू, गेहूँ, चुकंदर, केला में भरपूर मात्रा में फोलिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए इनका सेवन ज़रूर करें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। अगर आप गर्भधारण करने का विचार कर रही हैं तो शरीर में पानी की कमी न होने दें। शरीर में पानी की कमी यूँ भी खतरनाक होती है। डाइट में शामिल करें डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। ये न केवल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं बल्कि हड्डियों को भी मजबूत करते हैं, इसीलिए गर्भवती महिला को दूध, दही और अंडे, मछली का सेवन जरूर करना चाहिए। विटामिन सी से भरपूर आहार। आमतौर पर माना जाता है कि विटामिन सी के सेवन से सिर्फ संक्रमण की सुरक्षा मिलती है, लेकिन विटामिन सी आयरन को सोखने का काम करता है। संतरा, मौसमी टमाटर और आंवला खाने से विटामिन सी की जरूरत पूरी होती है, इसीलिए इसका सेवन भी जरूर करें। ओमेगा 3 भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी महिलाएं जो बादाम, अखरोट और मछली का सेवन करती हैं, इन तीनों में ओमेगा 3 फैट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ओमेगा 3 फैट एसिड न केवल गर्भधारण करने से पहले ज़रूरत है बल्कि प्रेगनेंसी के बाद भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसमें आयरन, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करें जिससे आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।